सब्सक्राइब कीजिए नव्ज अकेडमी चैनल को और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें नए और सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। क्या है MDH? अगर आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो देखो मैं लिखता हूँ MDH या W वन फॉर्मूला, यहाँ क्या होगा M2 D2 H2, इधर क्या हो जाएगा W2, वर्क वन वर्क टू। सोलह व्यक्ति ये क्या मेन है? स्टार्ट कर दिए, देखिए 16 व्यक्ति मेन क्या है, 16 व्यक्ति कितने दिनों में? 25 दिनों में। कोई घंटा वगैरह तो नहीं लिखा है, कोई वर्क भी नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो खाली छोड़ देंगे। इक्वल टू दूसरी तरफ क्या लिखा है, 16 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 10 व्यक्ति बोला जाए तो यहाँ पे 10 व्यक्ति M के जगह 10, ठीक है। इस कार्य को कितने दिनों में, दिन पूछा है तो डे कैंसिल, काटना पे काट दो, पाँचे पाँच दोनी 10, 2 से 16, 2 8 16, 8 5 कितना हो गया, यानी कितने दिनों में काम करेंगे, 40 दिनों में काम करेंगे। 16 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 40 दिनों में। बताओ आया समझ में सबको कि नहीं आया समझ में, आपको लड़ा आया समझ में? बस आपको MDH याद करना है, MDH upon W = MDH upon W2। वर्क कितनी काम, जैसे आप 10 कबूतर को खचखच कर रहे हैं, 10 मुर्गे काट रहे हैं, समझ में आ रही, जो भी आप काम करें, मेरा कहने का मतलब ये है कुछ भी करो, चाहे आप 10 किलो सब्जी कर रहे हैं कर दीजिए। कहने का मतलब मैं जब भी MDH बेस्ड मैं आपको टाइप 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, फिर टाइप 1 के अकॉर्डिंग, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, मैं लिख नहीं रहा हूँ टाइप 1, मैं जब भी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन का पैटर्न सर कैसे कैसे लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना, है ना। जैसे अभी टाइप 1 बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्या लिखा है MDH, है ना। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे MD1H1 upon क्या लिख रहा हूँ W1, M2 D2 H2 upon क्या लिख रहा हूँ W2। देखो पहले में क्या है, 35 व्यक्ति, 49 मीटर लंबी दीवार। अब 49 मीटर लंबी दीवार ये क्या है, ये आपका काम है, क्या है काम है, क्योंकि 49 मीटर लंबी है, दिन तो है नहीं, ये घंटा तो है नहीं, क्यों नहीं, 49 मीटर लंबी ये घंटी होती है, 49 मीटर लंबी क्या होती है, घंटा होता है, ऐसा तो नहीं होता ना, 49 मीटर लंबी ये वर्क है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वर्क 49। दीवार को 3 दिन में, घंटे लिखा है नहीं लिखा, एच नहीं लिखा तो उसको हटा देंगे, ठीक है ना। इक्वल टू में बना सके तो 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति 6 दिन में, यानी 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार है, कितनी लंबी दीवार, यानी कि W पूछ रहा है। अब जो कैंसिल सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, देखिए बता रहा हूँ, 7 5 7 7 49, 3 2 6 5 4 20, 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 8 7 56, यानी कि W2 कितना होगा, 56 मीटर लंबी दीवार, कितना होगा, 56 मीटर लंबी लिखा है। सेम क्वेश्चन है, आप सबका आंसर आ गया होगा, आंसर आ गया होगा, बहुत इजी है ना। देखो क्या लिखा, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी, तो 49 मीटर लंबी वर्क है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, मैंने बताया था आपको MDH upon W2, ये 2 2 2 2 मान लो, 1 1 1 मान लो, क्लियर है। तो 35 व्यक्ति है तो मेन है, टोटल वर्क कितना, वर्क नीचे आएगा, कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में, तो ये ऊपर। फिर आगे क्या लिखा है, 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी, तो W लिखा है ना, जब इसको कैंसिल करोगे तो 7 5 7 7 7 5 4 3 2 2 4 8 7 56 मीटर लंबी दीवारें बनाएंगे। इजी है, कितना इजी है। अब नेक्स्ट देखिए साहब क्या लिखा है, 24 मजदूर प्रतिदिन, देखो MDH W1, ठीक है ना, चल कर दिए, चल रहा है ना, हाँ ओके, कंटिन्यूस, ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आया। क्या लिखा है, 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, तो साहब 24 मजदूर यानी कि W की जगह मेन की जगह 24 आएगा। मजदूर क्या होते हैं, आदमी होते हैं, जानवर तो होते नहीं है, नहीं, मजदूर हमारे देश के भगवान होते हैं, मजदूर हमारे देश के भगवान कहे जाते हैं। तो 24 मजदूर 7 घंटे कार्य करके, बोला जाए 7 आवर्स, एक कुआं को कितने दिन में खोद सकता है, 18 दिन में, कितने दिन में खोद सकता है, 18 दिन में,
ठीक है, कुआं को 18 दिन में खोद सकता है। तो कितने मजदूर यानी ये वाला पार्ट पूछा है, कितने मजदूर 9 घंटे कार्य करके इस इनमें 16 दिन में खोद सकता है। क्लियर है बात है, सबको समझ में आ रहा है? काम तो नहीं दिया हुआ है, कैंसिल करोगे, देखो काटोगे कैसे, 9 × 18, 2×8 = 8, 3×7 = 21 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। कितने बताओ, आया सबको समझ में? क्लियर। सब्सक्राइब कीजिए नव्ज अकेडमी चैनल को और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें नए और सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए।